हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ क्लास 8 की साइंस की बुक पर चैप्टर नंबर 4, दैट इज मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल। सो लेट्स अस बिगिन विद द चैप्टर। सो इस पूरे चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और उनके यूजेस। सो स्टार्टिंग विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे व्हाट डू वी मीन बाय दिस टर्म फिजिकल। फिजिकल से हमारा मतलब है उसका आउटर लुक, वो बाहर से देखने में कैसा लगता है, उसकी अपीयरेंस, बाहर से देखने में वो मेटल कैसा दिखता है, फिर कोई भी चीज कैसा कैसी दिखती है, उसका फिजिकली अपीयरेंस कैसी होती है, देखने में वो कैसा लगता है, इस चीज को हम कह देते हैं फिजिकल। इस टर्म को हम कहते हैं। तो अब देखते हैं हमारा जो मेटल है उसकी वो मतलब उसकी प्रॉपर्टीज ऐसी क्या होती है, वो देखने में कैसा दिखता है। तो मेटल्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी हो जाती है दैट इट इज लस्टरस। वो लस्टरस है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दिस टर्म लस्टरस? लस्टरस का मतलब होता है शाइनी, जो शाइनी होती है सरफेस, जो चमकता है, तो इसी को कहते हैं लस्टरस। तो ये चमकता है, ये शाइन मारता है। Then secondly is hard. ये बहुत ज्यादा सॉलिड होता है, हार्ड होता है। थर्ड थिंग इज कंडक्टर्स। व्हाट डू वी मीन बाय दिस टर्म कंडक्टर? कंडक्टर से इजी लैंग्वेज में बोले तो कोई भी ऐसी चीज जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास होने देगी, बट अगर हम थोड़ा अच्छे से बोले तो इसे कहेंगे जिसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो अलाउ करेगी हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट। बात एक ही है। तो अब हमारे सारे मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट and electricity, all the metals. Coming to next property, that is malleability. Now, what do we mean by this term malleability? Malleability से आपको हमेशा याद आना चाहिए sheets, और ductility से आपको हमेशा याद आना चाहिए wires, याद कर लो अभी। Because malleability का मतलब होता है that वो जो metal है, that can be converted into thin thin sheets, पतली sheets में convert हो सकता है। But ductility means क्यों जो मेटल है वो वायर्स में कन्वर्ट हो सकता है। कमिंग टू द लास्ट प्रॉपर्टी दैट इज सोनोरस। अच्छा एक एग्जांपल लेते हैं सोनोरस देखने के लिए कि आप स्कूल एक मेटल की बॉटल लेके जाते हो, फॉर एग्जांपल वो स्कूल में गिर गई तो वो कैसी साउंड प्रोड्यूस करती है? आपने नोटिस किया होगा वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है। वो कैसी साउंड प्रोड्यूस करती है? वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है। वैसी मंदिर की जो घंटी होती है उसमें जो बॉब होता है जब वो हिट करता है जो आउटर सरफेस होता है उसको, तो कैसी साउंड प्रोड्यूस करता है? रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। तो ये उसके मेटल की एक प्रॉपर्टी है कि देखो एस सोनोरस का एस और साउंड के ऐसे याद रखना, सोनोरस से रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, मेलिबिलिटी से वो थिन शीट्स बनाता है, डक्टिलिटी से वो थिन वायर्स बनाता है। अब एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता दूं, मे बी एग्जाम में आ जाए, विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? So the best conductor of electricity is silver. It is the best conductor of electricity. आगे बढ़ते हैं। अब देखो केमिस्ट्री में हमेशा exceptions मिलेंगे। Let's come to the exceptions in metals. तो जो मर्क्यूरी है ना, मर्क्यूरी लिक्विड रहता है। मैंने बोला सारे मेटल सॉलिड होता है, बट ये अकेला मर्क्यूरी है जो लिक्विड रहता है एट रूम टेम्परेचर। एंड द नेक्स्ट इज पोटेशियम, सोडियम एंड लिथियम। मैंने बोला सब हार्ड होता है, सॉलिड होता है, पर यही तीनों हैं जो सॉफ्ट होते हैं। ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इन्हें हम नाइफ से भी काट सकते हैं। तो हर फैमिली में जैसे एक जिद्दी मेंबर होता है, वैसे ही मेटल्स की फैमिली में ये कुछ जिद्दी मेंबर्स हैं। नाउ कमिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो ये जो मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी ना उससे बिल्कुल अपोजिट है। वो हमारे क्या थे? लस्टरस थे, शाइनी थे, ये बिल्कुल डल है। वो कंडक्टिंग थे, वो कंडक्टर्स थे, उनके पास इलेक्ट्रॉन्स थे, इंसुलेटर्स हैं, वो उनकी थिन शीट्स बन सकती थी, इनकी नहीं बन सकती, उनके वायर्स बन सकते थे, इसके नहीं बन सकते, उनमें से रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस हो सकती थी, इसमें से नहीं हो सकते। तो अगेन अब नॉन मेटल्स की फैमिली के हमारे जिद्दी मेंबर्स देख लेते हैं। द फर्स्ट जिद्दी मेंबर इज डायमंड, क्योंकि मैंने बोला ये सारे डल होते हैं, बट डायमंड इज द ओनली नॉन मेटल एंड इवन आयोडीन। डायमंड एंड आयोडीन आर द ओनली नॉन मेटल्स विच आर लस्टरस। And the only liquid non-metal is bromine. तो एक only liquid metal at room temperature is हमारा mercury. But the only liquid non-metal is bromine.
कमिंग टू गुड कंडक्टर्स, मैंने बोला सारे इंसुलेटर्स होते हैं नॉन मेटल, बट अगेन एक जिंदी मेंबर आ गया, दैट इज ग्रेफाइट. ग्रेफाइट एक कार्बन का फॉर्म होता है विच इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ना ये कुछ एग्जाम्पल्स है मेटल के, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, वैसे बहुत सारे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, टिन, आयरन, जिंक, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. एंड कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, एंड दे आर मेनी एग्जाम्पल्स. नाउ स्टार्टिंग विद द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, तो हम देखेंगे मेटल्स को जब हम रिएक्ट कराते हैं ऑक्सीजन, वाटर, एसिड्स एंड बेसिस के साथ, तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं. तो लेट्स बिगिन विद द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन. सो हम फॉर एग्जाम्पल आयरन ले लेते हैं एंड आयरन को रिएक्ट करा देते हैं ऑक्सीजन के साथ. हमें पता है रस्ट फॉर्म होगी, हमने 7th क्लास में पढ़ा था कि रस्ट फॉर्म होगी. एंड रस्ट का मैंने हेल्प के लिए द फॉर्मूला भी लिख रखा है, दैट इज Fe2O3. तो रस्ट फॉर्म हो जाती है आयरन जब रिएक्ट करता है विद वाटर वेपर्स एंड ऑक्सीजन. सेम है, मैग्नीशियम को भी रिएक्ट करा लेते हैं ऑक्सीजन के साथ, क्या फॉर्म होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होगा, दैट इज वो एश फॉर्म में निकलता है, दैट इज MgO. सो अब हमें देखना है कि जो MgO है, Fe2O3 है, ये क्या है, ये एसिडिक है नीचे में, मीन्स थोड़ा डेंजरस है, या फिर ये बेसिक है नीचे में. तो हमने लिटमस पेपर टेस्ट किया. लिटमस पेपर टेस्ट से हमें ये पता चला कि जो रेड कलर पेपर था, लिटमस पेपर, वो कन्वर्ट हो गया इनटू ब्लू. एंड इससे तो यही पता चलता है कि जो रस्ट हुई या मैग्नीशियम ऑक्साइड हुए, वो बेसिक हो गया नेचर में. मतलब हमेशा मेटालिक ऑक्साइड, कोई भी मेटल प्लस ऑक्सीजन, दैट इज मेटालिक ऑक्साइड, हमेशा किस नेचर में होगी, बेसिक नेचर में होगी. ओके, एज सिंपल एज दैट. आगे बढ़ते हैं, नॉन मेटल्स को रिएक्ट कराते हैं ऑक्सीजन के साथ. सल्फर ले लेते हैं, सल्फर प्लस ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड. कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड. तो हमें ये देखना है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है एंड कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एसिडिक है या फिर बेसिक. अगेन हमने लिटमस पेपर टेस्ट किया, बट इस बार हमें पता चला कि ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्ट हो गया इंटू रेड लिटमस पेपर. दिस मीन्स कि जो सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, क्या है, एसिडिक है नेचर में. तो कोई भी नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन, ये मैंने एक तरीके से वर्ड इक्वेशन दे रखी है, नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू नॉन मेटालिक ऑक्साइड विच इज एसिडिक इन नेचर. कमिंग टू रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वॉटर, कॉपर को रिएक्ट करेंगे H2O के साथ, कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाएगा. आयरन को कराएंगे, आयरन हाइड्रोक्साइड बनाएगा. हियर कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर बेसिक इन नेचर. अगेन हम लिटमस पेपर टेस्ट करेंगे तो रेड टू ब्लू हो जाएगा, मीन्स कभी भी मेटल्स का रिएक्शन होगा वो हमेशा बेसिक रहेगा. नाउ मेटल, अगेन हियर इज अ वर्ड इक्वेशन, मेटल्स प्लस H2O इज मेटालिक हाइड्रो ऑक्साइड विच इज बेसिक इन नेचर. अच्छा एक हैक बता दी, जब भी वाटर की बात आए ना तो हाइड्रो वर्ड ऐड हो जाता है हमेशा. नाउ कमिंग टू रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर, इट इज सुपर इजी, कोई रिएक्शन होता ही नहीं है, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस. सल्फर प्लस वाटर, नो रिएक्शन. कार्बन प्लस वाटर, नो रिएक्शन. आगे बढ़ते टू रिएक्शन विद एसिड्स एंड बेसिस. सो मेटल्स जब रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ, जैसे हम जिंक को रिएक्ट करा देते हैं विद HCl, HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट बनता है एंड हाइड्रोजन गैस बनती है. अब कैसे बनती है ये, जैसे हमें जिंक का हमें नेम पता है क्या है, Zn प्लस HCl. तो जब हम H को ऐसे ब्रेक करेंगे तो आगे वाला पॉजिटिव होता है, पीछे वाला नेगेटिव होता है. Zn इज होल पॉजिटिव, पॉजिटिव ऑलवेज अट्रैक्ट नेगेटिव, इट विल बी ZnCl. तो Zn और Cl मिल जाएंगे, दैट फॉर्म सॉल्ट एंड बचेगा हमारा हाइड्रोजन. इट्स इजी. देन सोडियम को रिएक्ट करा लेते हैं HCl के साथ, दैट इज सॉल्ट बनाएगा NaCl. सेम वे NaCl कैसे बनाएगा, NaHCl ब्रेक करेंगे, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, NaCl बनेगा एंड बचेगा हमारा H, NaCl सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. सो अब ये जो हाइड्रोजन गैस है, पता कैसे चलेगा कि ये प्रेजेंट है उस बीकर में. आप एक बर्निंग मैचस्टिक को लेके जाओ उधर, तो एक उधर ना जैसे हम लेके जाओगे पॉप साउंड आएगी उधर, ठीक है. तो इससे पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस उधर प्रेजेंट है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस इज द मोस्ट कम्बस्टेबल गैस. नाउ
कॉपर डू नॉट रिएक्ट विद, इट्स अगेन एन एक्सेप्शन दैट कॉपर कभी भी रिएक्ट नहीं करेगा HCl के साथ, बट इट विल ऑलवेज रिएक्ट विद सल्फ्यूरियस एसिड. नाउ कमिंग टू नॉन मेटल्स विद एसिड, वाओ नॉन मेटल्स के लिए भी इजी है, इट डू नॉट रिएक्ट कार्बन प्लस HCl, नो रिएक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस. नाउ रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद बेसिस, सो एग्जाम्पल ले लेते हैं कॉपर प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस, तो अगेन वो वही सेम चीज करेगा जो उसने एसिड्स के साथ की, दैट इज सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, मैग्नीशियम प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, इजी. नाउ द रिएक्शन विद नॉन मेटल्स एंड विद बेसिस, अगेन इट इज कॉम्प्लेक्स, सो वी लर्न इट इन हायर क्लासेस, तो अभी तो इजी हमारे लिए, अभी कुछ इसमें याद नहीं करना है हमको. नाउ इस यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आने से पहले मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. व्हेन मेटल्स विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, वो मेटालिक ऑक्साइड्स बनाएंगे जो बेसिक होगा. व्हेन मेटल्स विल रिएक्ट विद वाटर, वो H2O मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे जो अगेन बेसिक होगा. व्हेन इट विल रिएक्ट विद एसिड्स एंड बेसिस, वो सॉल्ट एंड हमारा हाइड्रोजन गैस बनाएंगे. बट व्हेन नॉन मेटल्स आर गोइंग टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन, वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स बनाएंगे जो एसिडिक होगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, मतलब वाटर के साथ तो रिएक्ट ही नहीं करते, वो एसिड्स के साथ भी रिएक्ट ही नहीं करते, एंड बेसिस का थोड़ा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है. सो नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड टू द यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो हर एक यू नो मेटल एंड नॉन मेटल के अलग अलग यूजेस है, दैट इज मेटल्स के यूजेस. जैसे कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड टू मेक वायर्स ऑफ इट. जिंक इज यूज फॉर गैल्वनाइजिंग आयरन टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग, हमने 7th क्लास में पढ़ा है. सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी, व्हाई, बिकॉज इट इज लस्ट्रस. देन कमिंग टू आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, दीज मेटल्स आर यूज्ड टू मेक यूटेंसिल्स, मैन्युफैक्चरिंग मशीन पार्ट्स. ओके, नाउ कमिंग टू यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स. नाउ नॉन मेटल इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ, कौन सा वाला, ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ बिकॉज इट इज इनहेल्ड व्हाइल ब्रीदिंग. नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर्स बनते हैं, हमने चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा था. क्लोरीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन ऐसे दो नॉन मेटल्स हैं जो यूज किए जाते हैं फॉर वाटर प्योरिफिकेशन. इवन क्लोरीन जो है वो हमारे स्विमिंग पूल्स में भी डाला जाता है टू प्योरीफाई इट. देन एक पर्पल कलर एंटीसेप्टिक होता है, वो होता है. देन इट इज यूज एज एन इन सॉरी डिसइंफेक्टेंट, एंड इट इज यूज इन क्रैकर्स. मे भी एग्जाम में क्रैकर्स में कौन सा, यू नो मेनली कौन सा नॉन मेटल डाला जाता है, दैट इज सल्फर. बट सल्फर, अब एक और तरीके से क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंट जो है कि विच इज द ओनली येल्लो कलर्ड यू नो नॉन मेटल, तो आंसर आएगा हमारा सल्फर बिकॉज इट इज येलो इन कलर. सो दैट्स इट इन दिस चैप्टर. थैंक यू, होप टू सी यू सून, बाय बाय.